यह सच है कि अहमदाबाद प्रखंड में बाढ़ सबसे बड़ा अभिशाप है। लगभग प्रत्येक वर्ष यहां बाढ़ तांडव मचाती है। इस बार भी इस प्रखंड की कई पंचायत बाढ़ की विभीषिका झेल रही है, लेकिन पीड़ित लोगों का कहना है कि सरकारी सहायता के नाम पर अभी तक उन्हें ठेंगा ही मिला है। हमारे अहमदाबाद प्रखंड के संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज के अनुसार यहाँ की कई पंचायत बाढ़ का प्रकोप झेल रही है, जिनमें चौकिया पहाड़पुर, भवानी खट्टी, दुर्गापुर, दक्षिणी करीमुल्लापुर और पाटदियारा पंचायत शामिल है। इन पंचायतों में आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही बचा है। लोग अपने दैनिक जरूरत को पूरा करने के लिए भी नाव का ही सहारा लेते हैं। बाढ़ के कारण कई परिवारों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी है। ग्रामीणों की माने तो पिछले 15 दिनों से वह खुले आसमान के नीचे रह रही हैं, लेकिन सरकारी सहायता के नाम पर उन्हें कोई राहत सामग्री नहीं मिली है। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा कई परिवारों को पॉलिथीन शेड अवश्य वितरित की गई, लेकिन अभी भी बहुसंख्यक परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ परिवार आज जब अहमदाबाद प्रखंड कार्यालय सहायता के लिए पहुंचे तो उन्हें बेरंग लौटा दिया गया। इन परिवारों के लोगों ने बताया कि वह पिछले 2 दिनों से पॉलिथीन की आस लिए प्रखंड कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराश लौटा दिया जाता है। हम त्रिपाल के लिए आए अहमदाबाद। हम विकलांग लड़का है। हम लोग का घर में एक कमर पानी है। बाल बच्चा लेके किसी का द्वार में रहते हैं और हम लोग का बाल बच्चा का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है, खाया कि नहीं खाया। और हम लोग पानी पानी जाते हैं आते हैं। हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं दिया सरकार अभी तक। कहाँ है? अहमदाबाद आए हम लोग त्रिपाल के लिए। कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा आज तक भी नहीं दिया है। और कोई कोई क्या सतुआ खाते हैं, दिन भर भूखले हैं हम, शाम को खाते हैं या सुबह सतुआ खाते हैं, एक शाम को खाते हैं। और हम लोग दिन भर भूखले रहते हैं। हरदेव टोला दक्षिणी करमुलापुर से। मुखिया जी सहायता नहीं किया? मुखिया जी कोई सहायता नहीं करने वाला। क्या नाम? शिव कुमार। करने आए हैं? त्रिपाल का लिए आए हैं। पानी हो गया, हम लोग को घर में रहने की जगह नहीं है। दूसरी बात कि मचना में रहते हैं, बच्चे कच्चा लेके बहुत कष्टी आ रहे हैं। हम लोग का कोई भोजन की रास्ता नहीं है, इसीलिए काल से हम लोग दौरा दौरे करते हैं। कितना दिन से आपके घर में पानी? पानी हम लोग का 15 से है। अभी अभी भी है पानी? अभी अगना से थोड़ा उतारा है पानी। अभी क्या खाते पीते? क्या खाते पीते हैं? घर में जौन सतुआ ततुआ बनाए वही खाते है। चूल्हा चौका बढ़िया से नहीं जलता है। हाँ, श्री से पाली देवे। पानी हो गया। क्या हुआ? पानी मतला में रहते हैं हम लोग, चूल्हा जलता नहीं, तो बच्चा कच्चा सब दुख में रहता है घर में। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो ऐसे कि त्रिपाल मिलेगा, त्रिपाल मिलेगा, इसलिए आया। भोजन मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिला है। त्रिपाल नहीं, कुछ नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। कब से आ रहे हैं आप लोग? काल से आ रहे हैं। खाने पीने का कुछ सामान मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। फिलहाल ग्रामीणों के पास प्रशासन की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। इधर कुछ जनप्रतिनिधियों ने मनिहारी एसडीओ से इन पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के बारे में आवेदन देते हुए कहा कि अहमदाबाद का अधिकांश क्षेत्र आज बाढ़ का दंश झेल रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में सामुदायिक किचन चलाने के साथ साथ पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत राशन और पॉलिथीन आदि उपलब्ध कराने की मांग की है। अहमदाबाद प्रखंड में पिछले 15 दिनों से लगातार ग्रामीणों को बाढ़ सता रही है। लोग जो है बाढ़ से त्राहिमाम है, जिसको लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद नगर पंचायत क्षेत्र के इलाके में। और ये क्षेत्र जो है यहाँ से लोग नाव के सहारे पंचायत की ओर यानी अपने अपने घरों की ओर पहुँचते हैं। क्या कुछ विधि व्यवस्था प्रशासन की ओर कराई गई है? प्रशासन से हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अशोक मंडल। कहाँ के रहने वाले? पहले मेहू टोला में था घर, उसके कटने के बाद फिर इधर अहमदाबाद में बसे हैं, तो यहाँ पर भी वही हाल है, बाढ़ से पूरा तराई तराई है। क्या कुछ विधि व्यवस्था प्रशासन की ओर से? विधि व्यवस्था अभी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई कोई नाव दिया है, वो भी हम लोग का पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सरकारी नाव है, कौन सा प्राइवेट है। सरकारी नाव जो है उसमें कोई झंडा वंडा कुछ बोर्ड वोर्ड लगा के रखेगा तो हम लोग पहचान पाएंगे कि ये सरकारी नाव है।
कुछ सूखा राशन या पॉलिथीन वगैरह इस तरह से कुछ मिला नहीं? सूखा राशन तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। किसी किसी आदमी को जिसको ज्यादा बाढ़ के इसे हो गया, जो घर से बेघर है, उसको कुछ पॉलिथीन वोलिथीन दिया गया है। हम लोग तो प्राइवेट नाव से आना जाना करते हैं, लेकिन सरकारी जो हमारा अहमदाबाद प्रखंड है, जब तक थाना नहीं डूबेगा तब तक इस क्षेत्र को नहीं देख सकेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि यहाँ का जो ऑफिसर हैं, ये ऑफिसर जो हैं, ये घूस लेकर आते हैं और घूस लेकर जाते हैं, लेकिन इस स्थिति को नहीं देख पाते हैं। जो नाव में चलता है आता है वो दुख को नहीं देख रहा है। नहीं, पदाधिकारी के द्वारा जांच तो किया गया था? जांच किया, लेकिन जांच होता है लेकिन काम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जो है अभी नाव से, प्राइवेट नाव से चल रहे हैं, सरकार का कोई अभी ये नहीं है। चलिए देखें, आप तस्वीरों में और तस्वीरों से भी पता कर सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नाव के सहारे आवागमन करते हैं। नाव पर बैठे हैं कुछ लोग, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे लोग आप इस नाव के सहारे अपने घरों तक पहुंचते हैं और क्या प्रशासन की ओर से इन लोगों को मदद पहुँच पाया है। जी, कैसे आप लोग आवागमन करते हैं इस बाढ़ में? नाव से आते जाते हैं। क्या है बाढ़ का स्थिति आपके क्षेत्र? बाढ़ का स्थिति अभी तक तो पानी घटने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़ रहा है। सिर्फ घर द्वार बचा हुआ, बाकी घर से जैसे ही निकले जरूरी सामान के लिए मार्केट, वो नाव से ही आना है, नाव से ही जाना है, वो भी प्राइवेट, कुछ नहीं। अभी तक सरकार से एक पैसा का कोई सहायता नहीं मिला हम लोग को, अपना वो भी नहीं, पॉलिथीन भी नहीं मिला अभी तक। मांग करते हैं कि सरकारी जो व्यवस्था है, जो सरकार के पास है, हम लोग को राहत के तौर पर कम से कम कुछ पॉलिथीन वगैरह दिया जाए और आने जाने का व्यवस्था किया जाए नाव का। हम लोग पैसा दे के जाते हैं और आते हैं। जी चचा, क्या नाम है? मोहम्मद मैनुल। कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ बाढ़ में? बाढ़ में तो पानी पानी है, सब घर से द्वार, घर द्वार के आसपास में सारे पानी है। घर से ये मार्केट निकाले तो पानी पानी है, जहाँ भी जाएंगे पानी। नाव से जो आते हैं कितना पैसा लगता है? 10-10 रुपया लगता है डेली, आने जाने में 10 रुपया, आने में 10 रुपया, जाने में। दिक्कत तो होता होगा? काफी दिक्कत। अच्छा, प्रशासन की ओर से क्या विधि व्यवस्था? कोई तो हम लोग का कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं। जी नहीं। जी, क्या नाम है आपका? रफीक आलम। कैसे आना जाना करते हैं इस बार? आना जाना का तो मुसीबत जो भी है, चूल्हा में पानी हो गया, स्टोला में चूल्हा में पानी हो गया सर, चूल्हा नहीं जलता है, इतना दिक्कत है। और यहाँ का कोई प्रशासन का कोई ये नहीं है, नाम नहीं है, जो देखता है जो आदमी किस हालत में है, कभी गए नहीं और न देखा न पूछा। कोई विधि व्यवस्था मिला? कोई भी व्यवस्था नहीं मिला जन प्रतिनिधि की तरफ से? कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। निश्चित तौर पर इस बाढ़ ने लोगों को तबाह हाल बर्बाद कर दिया है, लेकिन इसको लेकर जो है आज कुछ परिवार जो है प्रखंड मुख्यालय पहुंचे थे और जिसको लेकर अपनी मांग को रखते हुए उन्होंने प्रशासन से पॉलीथीन की मांग किया। और साथ ही एक चीज बता दूं कि आज इसको लेकर जनप्रतिनिधि के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। हालांकि देखना ये होगा प्रशासन को कि कब तक इन पीड़ित परिवार को सहायता राशि एवं सहायता सामग्री मुहैया कराई जाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद। मत करे लापरवाही, नहीं तो हो सकती है बड़ी तबाही। सुरक्षा के मानकों से मत कीजिए समझौता, अन्यथा हो सकता है बड़ा खतरा। हर स्कूल, हर कोचिंग, हर कंप्यूटर सेंटर और हर रेस्टोरेंट के साथ अपने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए फायर एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक यंत्र। उच्च स्तरीय प्रीमियम क्वालिटी के फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए संपर्क करें सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन। पाउडर, गैस और केमिकल हर फॉर्म में उपलब्ध, स्टैंडर्ड क्वालिटी भी और प्रीमियम क्वालिटी भी। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06652-2425-73, मोबाइल नंबर 9297979709।